कल रात माता का मुझे मैसेज आया है और माता ने आप सभी को टेक्स्ट बुक पर बुलाया है। जी हाँ, माता का मैसेज आ गया है और आ गई है नवरात्रि सेल। इस 21, 22 और 23 मार्च को अप टू 90% ऑफ मिलेगा सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। इतना ही नहीं, आप मेक माई ट्रिप के साथ जीत सकते हैं मौका वैष्णो देवी जाने का और माता के दर्शन करने का। साथ ही टेक्स्ट बुक पास पर एक ऐतिहासिक ऑफर, सबसे कम दाम पर मिलेगा एक साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, AJEE, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्टेट PSC, UPSC से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जय माता दी। हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के? और मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी और क्या तरह सर की क्लास शुरू करते हैं? सर क्या गणेश वंदना होनी चाहिए? तो भाई क्या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। और आइए दोस्त आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। और देखिए सर, आप सभी के लिए आइए सर क्या झमझमाती हुई नवरात्रि सेल। अब नवरात्रि सेल आपको पता ही भाई क्या कि माँ दुर्गा के जो आपके कहते हैं कि माँ दुर्गा की हम वंदना करते हैं और उस वक्त सर क्या 9 दिनों तक 9 रातों तक हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो आपको उसी पूजा के लिए याद रखेंगे कि आपका टेक्स्ट बुक लेके आया है नवरात्रि सेल। कहते हैं सर कि शरण्ये त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते, वो कहते हैं ना, कहते हैं सर। तो देखिए सर क्या कहते हैं सर, कहते हैं ये ऐसे है शायद कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो सर को जो नवरात्रि सेल है इसके अंदर क्या है, तो अगर आप 21 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच, याद रखोगे सर क्या कह रहा है कि अगर आप 21 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच कोई भी बैच परचेस करते हो सर, टेक्स्ट बुक से कुछ भी परचेस करते हो, तो आपको मिलने वाला है सर क्या, तो वैष्णो देवी दर्शन ट्रिप, याद रखेंगे, जो कि 2 रात और 3 दिन का होगा। और ये तब मिलेगा जब आप सर क्या आप बिहार गवर्नमेंट जॉब या बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप किसी बैच में अपने आप को एनरोल करते हैं। तो ये बैच आपकी मात्र ₹449 की होगी और आपको सर क्या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है टेक्स्ट बुक का फ्री पास। क्या बात है भाई, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको मात्र ₹449 में। तो आपको क्या करना है, आपको विवेक के कूपन कोड लगाना है और इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लेना है। और इस नवरात्रि भाई क्या सिलेक्शन वाली नवरात्रि होनी चाहिए और हर किसी को भाई क्या माता रानी आशीर्वाद दें कि उनका सिलेक्शन हो जाए और अपने माँ बाप के सपने को वो पूरा करें। तो आइए दोस्त आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला सवाल झमझमाता हुआ आप सभी के सामने आता है कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा इसे कि अ पर्सन विद अ ब्लड ग्रुप बी कैन सेफली डोनेट ब्लड टू द पीपल ऑफ विच ब्लड ग्रुप। और ये बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। और इस सवाल की बात करते हैं हम, है ना, चलिए क्या होगा आंसर, आंसर करना फटाफट चालू करिएगा इसका आंसर। चलिए आइए दोस्त देखेंगे सर क्या हो जाएगा। सर को अगर कोई व्यक्ति क्या है सर बी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी व्यक्ति है दोस्त याद रखोगे जिसका ब्लड ग्रुप क्या है सर, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वो सर एक तो आपके ब्लड ग्रुप ए बी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर जाना जाएगा। और वहीं पर यह सेम ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, यानी यह बी और ए बी दोनों को संयुक्त रूप से ये क्या कर सकता है दोस्त, तो ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। इस बारे में आप सारे याद रखेंगे सदा, आंसर विल बी बी एंड ए बी, याद रखिएगा। बड़ा बेहतर सा था ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है कि 1024 बाइट किसके बराबर होगा? बताइए दोस्त कि 1024 बाइट किसके बराबर होगा? बताइए सर, बढ़िया सर, 1 किलोबाइट के, 1 मेगाबाइट के, 1 टेराबाइट के या 1 गीगाबाइट के? बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो, अब आप सभी सर क्या फटाफट आंसर करना चालू कर दिए होंगे। देखो अगर मैं बात करूं, एक सर को मैं आपको सभी की सभी चीजें लिखवा देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं तो 1 बाइट जो है, 1 बाइट ये कैसे बनता है दोस्त, तो 1 बाइट बनता है 8 बिट्स को मिला के, 8 बिट्स को मिला के। और याद रखोगे 1 निबल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 निबल किससे बनेगा, तो 1 निबल याद रखोगे सर क्या, या तो आपके, या तो आपके सर याद रखोगे क्या सर, या तो 1 निबल आपके किससे बनेगा, ये आपके
चार बिट से बनेगा या हाफ बाइट से बनेगा या हाफ बाइट से। तो यानी याद रखोगे कि सर क्या दो निबल एक बाइट के बराबर होंगे, और याद रखोगे आपका क्या 1024 जो बाइट है वो किसके बराबर होगा सर, तो यह 1 किलोबाइट के बराबर होगा। 1024 जो किलोबाइट है वो किसके बराबर होगा, 1 मेगाबाइट के बराबर होगा। 1024 जो मेगाबाइट है वो किसके बराबर होगा, 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। और 1024 जो गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर होगा। और टेराबाइट क्या होता है सर, 10 to the power 12, 10 to the power 12 टेराबाइट होता है। और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द 1 किलोबाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सवाल। झमझम झमझम आंसर आना चाहिए सभी का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि सर गुरुत्व की क्रिया के दौरान अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होता है। बताइए सर कहाँ पे होता है, बताइए बेहतर। अच्छा देखो, नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, आप सभी को पता है कि भैया क्या कि हमारा जो देश है वो मंदिरों का, हमारा जो देश है वो धर्म स्थलों का देश है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में टोटल 51 शक्ति पीठ है, क्या आपको पता है। तो याद रखिए कि भारत में कुल 51 शक्ति पीठ हैं, जिसमें सर क्या अलग अलग शक्ति पीठों की अलग अलग मान्यता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति पीठ माँ कामाख्या देवी असम वाला होता है। तो सर अपनी अपनी जगह की बहुत जगह मान्यताएं हैं, आप इसके बारे में जानते ही हो। और इसीलिए सर क्या इस नवरात्रि को सर क्या सुखद बनाने के लिए, इस नवरात्रि को बेहतर बनाने के लिए आपका टेक्स्ट बुक आपको वैष्णो देवी घुमाने वाला है। भाई सोच लो, मैं आज तक नहीं गया, मैं तक ही कभी नहीं हुआ कि मैं चला जाऊं, माता ने कभी बुलाया ही नहीं। तो क्या माता आपको बुला रही हैं इस बार, अगर बुला रही हैं तो आज ही जाएं सब्सक्रिप्शन लें और सर क्या अपने ट्रिप को इंश्योर करें। आइए सर देखते हैं क्या कहते हैं सर, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है, डैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। देखो कैसे, लिफ्ट में कभी घूमे हो, अरे बोलो ना, घूमे हो, हाँ सर घूमे हैं। तो लिफ्ट में क्या होता है, देखो सर जब लिफ्ट, अगर बात कर सके थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको क्या लगता है, आपको अपना भार ज़्यादा लगता है। अब जब लिफ्ट नीचे आती है तो क्या होता है दोस्त, देखो जब वही लिफ्ट क्या करेगी, आज मैं ऊपर, लिफ्ट है नीचे, तो आपको अपना भार भी कम लगता है। अब मान लीजिए वो लिफ्ट टूट जाए, है ना, मान लीजिए आप एकदम मोटे से हैं, भारी भरकम से हैं, और फिर लिफ्ट में चढ़े आप, जिसे दो लोग और चढ़ गए, लिफ्ट टूट गई, तो आपको अपना भार कैसा लगेगा, शून्य लगने लगेगा। और कहते हैं ना कि तुम शून्य सच में हो जाओगे, पूरा शून्य ही हो जाओगे, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है। क्या बात है भाई, क्या सवाल है। द सेलेस्टियल बॉडीज हीलियम 3, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेलेस्टियल बॉडी हीलियम 3 इज फाउंड इन अबंडेंस। बताइए क्या होगा जवाब, झम से आंसर करिए, क्या होगा जवाब। तो इसका जवाब हो जाएगा सर, याद रखेंगे, डेट इज द शुक्र, जो है शुक्र के पास सबसे ज्यादा हीलियम 3 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, कमेंट एकदम झम से होना चाहिए, बताइए सर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें, है ना, कोई पात्र है जिसके तल पर वो जो द्रव्य है वो दाब लगा रहा है, उस दाब की गणना करना चाहें, तो निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा जरूरी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इट। देखो सर क्या, पहले आप बताओ आंसर, फिर मैं बताऊंगा, है ना, आपको टोटल समय देता हूं मैं, देखो बहुत तेज मिनट घड़ी चल रही है ना, मैं आपको समय देता हूं सवाल के लिए, बताइए सर क्या होगा। तो ये देखिए, चलिए तो फटाफट पहले आप इस सवाल का आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर कराऊंगा। देखिए सुनिए, जो प्रेशर है सर को, जो प्रेशर होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या कहता है सर, फोर्स अपॉन एरिया, क्या कहता है सर, प्रेशर, प्रेशर कहता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पात्र के तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बिल्कुल सही है सर, द्रव्य का घनत्व, तो बिल्कुल सही है सर, पात्र के तल पर पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये नहीं होगा सर, द सरफेस एरिया, सिर्फ एरिया होगा, सरफेस एरिया की कोई जरूरत नहीं होगी, इस बात को आप सारे याद रखिएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 सर का इज द करेक्ट आंसर, है ना, एगो दूगो तीनगो, है ना, हमारे बनारस में हर चीज का कि गो लगाना जरूरी है, गो या ठो, है ना, कठो चाहिए महाराज, दो दो क्या होता है, दूठो चाहिए, है ना। आइए सर
सवाल देखते हैं, गामा किरणों से क्या हो सकता है? बताइए गामा किरणों से क्या हो सकता है? अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, बताइए क्या हो सकता है? हाँ जी बताइए सर, जो गामा किरणें हैं गामा किरणों से क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है ये भी, बढ़िया। आइए सर बात करते हैं। देखो जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसे जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन पहले समझेंगे फिर गामा किरणें भी समझेंगे। म्यूटेशन द सडन चेंज इन द जीन, मतलब आप देखो जैसे आपने अपने गांव में बहुत सारी सर क्या किंवदंतियां सुनी होंगी, किंवदंतियां मतलब कहानियां बातें, कि गांव में क्या हुआ कि कोई किसी को बच्चा पैदा हुआ, उसके चार हाथ थे, उसके सर क्या खूब बड़ा सा सर था, मतलब ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां आपके गांव में बहुत फेमस होंगी। ऐसा क्यों होता है और ये सच्ची किंवदंतियां होती हैं? क्यों? क्योंकि एक म्यूटेशन नाम की थ्योरी होती है जहां पर जीन के अंदर सडन चेंज आता है। अगर आपको इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है वुल्वरीन, अगर आपको देखनी है बहुत सारे पार्ट हैं, तो वुल्वरीन भी सर क्या म्यूटेशन के ऊपर ही मूवी है। अब देखो जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के बारे में बताने वाले साहब कौन से थे? तो म्यूटेशन के बारे में बताने वाले साहब थे ह्यूगो डिब्रिज, ह्यूगो डिब्रिज नाम के साहब थे और इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। अब गामा किरणें जानेंगे सर क्या है? तो गामा किरणें याद रखोगे इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इनका क्या होता है दोस्तों? इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इनका प्रयोग याद रखोगे रेडियो एक्टिविटी में होता है। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? रेडियो एक्टिविटी में होता है। इनका याद रखोगे इनकी और क्या ज़्यादा होगी? तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। इनके ऊपर अगर चार्ज की बात की जाए तो इनके ऊपर चार्ज बिल्कुल निल होगा, यानी शून्य चार्ज होगा इनके ऊपर। अगर गामा रेज के बारे में बात की जाए तो गामा रेस की वेबलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। गामा रेस की वेबलेंथ सबसे कम होती है तो फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो याद रखेंगे एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर गामा किरणों के बारे में और बताऊँ मैं आपको, तो इसकी खोज पॉल विलार्ड ने की थी। इसकी खोज किसने की थी सर? तो इसकी खोज पॉल विलार्ड ने की थी। और इसको उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? तो इसको याद रखोगे रेडियो एक्टिविटी द्वारा ही उत्पन्न भी करते हैं, जहाँ पे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये तीन किरणें रेडियो एक्टिविटी से उत्पन्न होती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आप इतना बड़ा बड़ा मुँह खोलेंगे तो मैं बोर्ड के साथ आपके मुँह में चला जाऊँगा, है ना, और मुझे अभी कोई शौक नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त? आ जाओ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? सर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे क्या देखोगे? आओ सर इस सवाल को भी देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, है ना। हाँ बिल्कुल 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 सर, देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आइए सर समझते हैं, आपको समझ देता हूँ मैं फिर से, ठीक है। हाँ बताइए सर क्या होगा आंसर इसका? देखिए सर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इससे हम क्या देख सकते हैं? जीवाणुओं और विषाणुओं के शेप और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सर देखो जो जीवाणु और विषाणु हैं ये क्या सर, तो इनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम इनके सभी संगठन को नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की थी। लेकिन वहीं पर माइक्रोस्कोप से काम नहीं बना तो किसको खोजा गया? 1937 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा गया किसके द्वारा? नॉल और रस्का नाम के दो भाई लोग थे, भाई लोग ने दो साहब लोग थे। क्या नाम था दोनों साहब का? एक साहब थे इनका नाम था नॉल, और एक साहब थे इनका नाम क्या था क्या सर, इनका नाम था रस्का, है ना। तो नॉल और रस्का नाम के दो साहब थे जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी। ठीक है तो बताइए सर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बंद कर दीजिए। ठीक है अब चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? बताइए सर क्या होगा इसका आंसर? अजी चलिए पोधन अन्न है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ब्रिलियंट, क्या बात है भाई क्या बात है। देखिए सर पवन की गति, अगर कोई पवन है ना कि उड़ते फिरूं मैं मस्त गगन में, तो पवन की दिशा और पवन की गति इन दोनों को किससे मेजर करते हैं? द एनेमोमीटर। कौन सा? एनेमोमीटर याद रखोगे, द एनेमोमीटर। सर अल्टीमीटर से क्या करते हैं भैया? क्या जब आप जहाज में बैठते हो और जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो अल्टीमीटर बताएगा, अल्टीट्यूड को मापता है। ठीक है सर को क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या सर?
समय को अपने कार्य कौन करेगा? क्रोनोमीटर करेगा। इस बात को आप सारे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ताप उत्क्रमण क्या होता है? व्हाट इज द हीट रिवर्सिबल? सर वो जो हीट रिवर्सल, ये अच्छा सवाल है ये भी, है ना, बताइए सर, इसको भी आप निश्चित समय सीमा के अंदर इसका भी जवाब देने का पूर्णतः प्रयास करिएगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है भाई, ये तो कितने अच्छे जवाब आ रहे हैं सबके। सर याद रखोगे सर को, जो आपका हीट रिवर्सल होता है, हीट रिवर्सल, देखो आपको हीट के बारे में आपने एक बात पढ़ी होगी कि हीट जो होता है ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है ना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर कोई हीट है वो क्या सर, वो ज़्यादा, देखो हीट का अगर मैं एक्चुअल बताऊँ, अगर आप उसमें हीट नहीं दे रहे हो, ऐसे मान लो कि ये कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे में अगर एसी चालू कर दूं तो क्या होगा, लोअर टू सर क्या, तो हायर टू लोअर जाएगा। मैं इस कमरे में क्या कर दूं, हीटर लगा दूं तो क्या होगा सर, तो ये लोअर टू हायर जाएगा। तो वो तो सर क्या, मैं अलग से किसी इक्विपमेंट को ला रहा हूं तब हो रहा है। ऐसे नॉर्मल जैसे बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ के टुकड़े को मैं बाहर रख दूं नॉर्मल आपके एटमोसफेयर में, तो क्या होगा, पिघलेगा, यानी हायर टू लोअर की ओर हो जाएगा। इस बात को आप सारे याद रखिएगा। लेकिन तो सर कुछ ताप उत्क्रमण यहाँ पर रिवर्सल की बात कर रहा है, तो यह ऋणात्मक ह्रास द्वारा इस चीज को देखा जाएगा। नंदू बाबू एक करंट मार रहा है ना, उनका नाम को याद आता है इस पे कि वो कौन सा गाना है उसका, मनोज तिवारी का है ना, कि बैक मारे ले तो वो फ्रंट मारे ले, है ना, हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, वही वाला करंट मारता है ये। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर हमारी आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं इसकी आकृति कैसी, बताइए सर, बताइए कैसी आकृति है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है भाई, आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए, है ना, बेहतर। देखिए उस कहता है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी, द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी इज, सर को जो गैलेक्सी का शेप है वो कुछ इस प्रकार से स्पाइरल, ठीक है। अब जब इसकी मल्टीपल इमेज बनती है, समझना क्या, जब इसकी मल्टीपल इमेज बनती है तो ये कुछ इस तरीके से इमेज इसकी बन के आती है, इस तरीके से, जो क्या है सर, जो सुदर्शन चक्र होता है, किसका, सुदर्शन, है ना, मैं लिख नहीं पाता, ठीक, तो अंग्रेजी में लिखता हूँ, हिंदी नहीं लिख पा रहा हूँ, तो हिंदी में लिखूंगा मैं, सुदर्शन चक्र जो होता है उसकी वजह से होता है, उसके सर कैसा शेप होता है। एक बार आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा मुझे अच्छा लगा कि सुदर्शन चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है, तो सुदर्शन चक्र में कितनी होती है, 6 होती हैं, 6, ठीक है, कितनी होती है सर, 6, तिलियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और सुदर्शन चक्र को ही नारायण अस्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है, कोई गैस है उसको द्रव में बदलना है, सबसे सरल विधि कौन सी होती है सर, किसी गैस को द्रव्य में बदलने की सबसे सरल विधि क्या होती है, सर क्या होगा, बताइए जी। चीतन जी, हाँ दोस्त मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ हर क्लास की, हाँ मैं सबके रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ दोस्त, ठीक है दोस्त, चलिए देखिए दोस्त क्या है सर, देखो सर क्या, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है, सर कम तापमान और उच्च दाब, नहीं दोस्त, उच्च तापमान और कम दाब बिल्कुल हाँ दोस्त, तो ये भी गलत हो गया, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है सर, देखो नेक्स्ट क्या कहता है सर, देखो निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड, सर देखो कि इसमें से किससे प्रकाश का रंग संबंधित है, कुणांक, गुणवत्ता, आवृत्ति या वेग, बताइए सर किससे संबंधित है, बताइए तेज उसकी किससे संबंधित है, अजी बढ़िया बढ़िया, क्या होगा कि किससे वापस आएगा, चलिए बेहतर, देखिए दोस्त अगर मैं बात करूं
सर देखो क्या कि निम्नलिखित में से प्रकाश रंग किससे संबंधित है? सर यह उसके आवृत्ति से संबंधित होगा। किससे सर? तो यह उसकी फ्रिक्वेंसी संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो याद रखोगे, सर क्या यह उससे किससे होगा? सर स्पीड से, स्पीड, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो वेबलेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड के थ्रू वेबलेंथ भी ज़्यादा होगी, और जब वेबलेंथ ज़्यादा होगी तो याद रखोगे सर क्या, तो वह अपने रंगों को बदलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेबलेंथ किसकी होती है? लाल रंग की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? तो वायलेट रंग की होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। सर देखो ये भी अच्छा सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच, किसको पता करके बताइए सर। सर देखो कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को, सर मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, उसको क्या सर, उसको यूनिट चार्ज को हमें कहाँ तक लेके आना है? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तक नहीं लाना होता, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना होता है। तो उस कार्य को क्या कहते हैं बताइए सर, क्या कहते हैं? बड़े सवाल है। देखो सर कोई चार्ज है कहीं पर, ठीक है, अब इस चार्ज को मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज पे कुछ वर्क किया। क्या किया सर? मैंने इस पे कुछ वर्क किया, और वर्क करके मैंने क्या क्या किया सर यहां पर, तो इसे एक फील्ड के अंदर लेकर आया मैं, ठीक है, और वहीं पर एक और चार्ज पे मैंने वर्क किया, और मैंने इसको भी सर क्या उसी फील्ड के अंदर लेके आया, और देखो इन दोनों के बीच का मुझे सर क्या अंतर निकालना था, अंतर। तो ये देखो ये क्या है सर, इसे कहते हैं विभव। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम विभव, पोटेंशियल। अब दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? विभवों के बीच का अंतर विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर होगा। सुधांतर भी विभवांतर को, और विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में, वोल्ट में, और किससे मापते हैं? वोल्टा मीटर से मापते हैं। सुधांतर भी टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आइए, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित कौन है बताइए सर? भारत में अणु बम के विकास संबंधित कौन है बताइए? बढ़िया, बेहतर है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतर। देखिए जो भारत में एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, द एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बताइए सर क्या होगा इसका? ठीक है सर, देखिए याद रखेंगे कि भारत में सर क्या अणु बम के विकास संबंधित कौन है सर? तो यहाँ पे एक साहब हैं जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा, और इसके लिए सर क्या इनका एक सेंटर भी, रिसर्च सेंटर, जिसे कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं सर? बार्क। और बार्क याद रखोगे, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, द बार्क है ना, बार्क याद रखेंगे। नेक्स्ट सर, ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो विद्युत को प्रवाहित करे वो कौन है? तो ये कौन है, वो कौन है, वो कहां से वो आया है ना, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए समझिए, सुनिएगा क्या कह रहा है सर। वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? सर ठोस अवस्था के अंदर जो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा वो आपका ग्रेफाइट होगा। क्या होगा सर? वो आपका ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट क्या है सर? सबसे पहली बात ये क्या है, तो ये है कार्बन का एलोट्रॉप। ये क्या है सर? ये कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है ना, अपरूप। देखो सर याद रखोगे तो हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है, चारकोल भी कार्बन का अपरूप होता है, और ये कार्बन का अपरूप होते हुए इसका कैसा शेप होता है? तो ये होता है हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल। छह शेप होते हैं इसके, सॉरी छह इसके एंगल होते हैं, तो हेक्सागोनल हो जाएगा। ये क्या होता है? ये गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है सर? यह गुड कंडक्टर किसका होता है? किसी का भी, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होता है, याद रखोगे। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग याद रखोगे न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग करेंगे। सर याद रखोगे क्या ग्रेफाइट के बारे में? तो ग्रेफाइट याद रखोगे कि सर क्या इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग लेड पेंसिल में करते हैं, लेड पेंसिल में, लेड पेंसिल में। इसका प्रयोग याद रखोगे सर क्या? तो बैटरीज में रॉड के तौर पे करते हैं। जो बैटरी होती है ना, चाहे आपकी सर जो आपकी प्राइमरी बैटरीज होती हैं, बैटरी में किस रूप में? तो बैटरीज के अंदर रॉड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और याद रखोगे यह ही ये क्या सर? डायमंड से कठोर होता है। इस बात को आप सर याद रखिएगा। ये क्या सर? ये आपका ग्रेफाइट है, और इतनी खूबियाँ हैं ग्रेफाइट के बारे में। नेक्स्ट आइए, कि नाभिक टर्मिनल इनमें से एक ईंधन का काम करता है बताइए। ये कौन करता है ईंधन का काम नाभिकीय रिएक्टर के अंदर? हाँ जी बताइए।
अच्छा सवाल है। नेविगेटर में फ्यूल का काम, क्या होगा आंसर? सर देखिए, सर आंसर इसका हो जाएगा, देखो अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करूं, नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय रिएक्टर में आपको पता होगा कि सर क्या ईंधन के रूप में कौन कार्य करेगा, यूरेनियम करेगा, यूरेनियम ईंधन के रूप में कौन कार्य करेगा, यूरेनियम। यूरेनियम से क्या होता है सर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को तेज कर देते हैं, तेज है ना सर, क्या यूरेनियम। और यूरेनियम में क्या, तो यूरेनियम को एक आइसोटोप यूरेनियम 92-235 ये विघटित होकर यूरेनियम 92-238 में चेंज होता है, 238 में चेंज होता है। जो यूरेनियम है, यूरेनियम याद रखोगे क्या कहते हैं इसे, इसे फ्यूचर नहीं, इसे क्या कहते हैं सर, इसे क्या कहते हैं उसको, मेटल ऑफ होप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं यूरेनियम को, यूरेनियम को हम कहते हैं आशा की धातु, द मेटल ऑफ होप। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, दोस्तों इस पर ध्यान दोगे कि इसे हम आशा की धातु कहेंगे, इसे हम मेटल ऑफ होप कहेंगे, किसे, जो आपका यूरेनियम है। अगर मैं यूरेनियम के बारे में अगर आपको और बताऊं, और डेप्थ में जाऊं मैं यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम याद रखोगे इंडिया में इसका बहुत अच्छा खाद्य, कहाँ खाद्य भंडार कहाँ पर मिला है, तो भी जम्मू कश्मीर में इसका बहुत अच्छा खाद्य भंडार मिला है। यूरेनियम आपके अफगानिस्तान वाले एरिया में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान वाले एरिया में। ये बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्या सर, तो विद्युत को पैदा कर सकता है, इस बात को आप सर याद रखोगे। तो आंसर भी यूरेनियम। और यूरेनियम क्या है सर, यूरेनियम एक प्रकार का याद रखेंगे सर, द 5F ब्लॉक एलिमेंट है। अभी 5F किसे कहेंगे, तो यह एक प्रकार का एक्टिनॉइड है। ये क्या है सर, यह आपका एक प्रकार का एक्टिनॉइड है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक्टिनॉइड क्या होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 89 से 103 एटॉमिक नंबर वाले को एक्टिनॉइड कहते हैं, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 5F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इस बात को आप याद रखो। उसका आंसर भी यूरेनियम है ना। चलो, जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होता है ना, ये सर क्या होता है बताइए सर, जब भी एक रासायनिक बंध बनता है ना, सुनो देखो क्या होता है। रासायनिक बंध का मतलब क्या है सर, शादी है ना। जब मैं आपको बॉन्डिंग पढ़ूंगा तो मैं उसको और अच्छे तरीके समझाऊंगा आपको, बस एक बार समझना सर, बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, शादी है ना। अब मान लो शादी किसके बीच होती है, लड़का और लड़की के बीच होती है। अब तो भाई प्रकृति खिलाफ ही चल रही है हर चीज़ों के, अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो क्या ही कहा जाए। लेकिन जैसे जनरली क्या होता है, तो लड़के की शादी लड़की से ही होती है। अब लड़के की लड़की की शादी होती है तो सर देखो, लड़का क्या होता है, लड़के भी शादी से पहले बहुत गुस्से में होता है, और लड़की भी, मतलब लड़के को बहुत जल्दी गुस्सा आता है शादी से पहले, लड़के को बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कियाँ क्या सर, लड़कियों के अंदर सलीनता होती है शादी से पहले, और उनके अंदर जो ज्वालामुखी होती है वो दबी हुई रहती है, और लड़कों की ज्वालामुखी उबल रही होती है। दोनों मिलते हैं, विवाह होता है, और विवाह होकर लड़के की ज्वालामुखी लड़के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब लड़की के अंदर जब ज्वालामुखी ट्रांसफर होती है तो भैया क्या, वो भैया क्या क्या करती है, तो माँ दुर्गा का रूप ले लेती है, और जो लड़का होता है उसे भैरव बाबा समझ के उसका वध करना चाहती है ना। अब क्या होता है, जब उसका वो वध करना चाहती है तो याद रखोगे, तो उस वक्त एनर्जी का ट्रांसफर होके एनर्जी रिलीज होती है। वही बॉन्डिंग में होता है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। और बॉन्डिंग क्यों होती है, शादी क्यों करते हो आप, कि भैया सेटल हो जाओ, इसलिए होती है ना मैम, यहाँ सेटल हो जाओ। उसी तरीके से बॉन्डिंग भी इसलिए बनती है कि जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाए, किसी और साथ रिएक्शन ना करे। एक बार ब्याह हो गया तो आप कहीं चक्कर नहीं चला सकते, चला रहे हैं तो ना भैया बहुत मारेगी पुलिस, पुलिस बाद मारेगी, मरारू ढेर मारेगी। इट इज़ द ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है, ठीक है। बाकी जब मैं आपको बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, कि ब्याह में कैसे कैसे ब्याह होता है ना, सारा बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से सॉल्व हो रहा है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मिलाकर बनता है सर, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो किस रेशियो में होता है, 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में होता है, याद रखो, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा बताइए मैम, क्या हो जाएगा आंसर इसका, आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा, क्या होगा सर इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द शुगर केन, है ना, द केन शुगर, द शुगर केन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शुगर केन किसका सोर्स है सर, याद रखोगे ये चीनी का सोर्स है, चीनी। और चीनी सर किस कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, तो ये सुक्रोज से। और सुक्रोज को क्या कहते हैं दोस्त, तो सुक्रोज को कहते हैं हम
टेबल शुगर, क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम कहते हैं टेबल शुगर, क्या कहते हैं टेबल शुगर, यह एक प्रकार का डाइसेक्राइड है जो दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। वो दो कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, तो एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है सर क्या, तो एक होता है आपका फ्रक्टोज। तो इन दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, दैट इज द केन शुगर या शुगर केन, ठीक है, होता है ना, बढ़िया। आपने सुना होगा बोला, इन क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य कुमार नाम है, क्लास सिक्स में पढ़ते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट, सुना होगा वाला वीडियो ना, तो वही बोला है ना। क्या हुआ कि कल परसों की बात है, तो मतलब मम्मी के फ़ोन पे एक स्पैम कॉल आई, जानते हो कस्टमर केयर वाले कॉल करते रहते हैं। अब मम्मी से बोला कि ये रिचार्ज करवा लीजिए, वो कर लीजिए, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दे दिया। अब मैंने फ़ोन उठाया, है ना, मैंने क्या हुआ, मैंने फ़ोन उठाया, मैं फ़ोन उठा के बोला उधर सौंदर्य जी बोल रहे हैं, बेचारा अपने आप फ़ोन काट दिया, है ना। मम्मी मेरी इतना हंसी, इतना हंसी, क्या बताऊँ मैं आपको। नेक्स्ट आ जाओ सर, देखो इनमें कोलाइड नहीं है, बताइए सर कोलाइड नहीं है इसमें से, कौन सा कोलाइड नहीं है बताइए मैम, कौन सा कोलाइड नहीं है, ये तो आप बना ही देंगे, है ना। दूसरा सर देखिए, इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, सर देखो इसमें से कोलाइड कौन सा नहीं है, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। देखो भैया क्यों, जिसको आप पी सकते हो, है ना, जिसको पी सकते हो वो कोलाइड सर, वो क्या, वो कोलाइड होगा, जिसको पी नहीं सकते वो कोलाइड नहीं है। जैसे सर क्या, शहद पी सकते हैं लड़कियों, ध्यान देना, खून फेवरेट है तुम लोगों का, और लड़कों दूध फेवरेट तुम लोगों का, है ना। तो देखो शहद, खून और दूध इंसान पी सकता है, आइसक्रीम खाता है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, देखो जब भी एक सर देखो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर निलंबित किया जाएगा, और याद रखो कि जिनका साइज 10^-5 से 10^-7 हो जाएगा, कितना 10^-5 से 10^-7 हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कोलाइड, ठीक है, और आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से लौह अयस्क की बहुलता होती है, निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है, बताइए सर क्या हो जाएगा इसका आंसर जी, निम्नलिखित में से कौन से में लौह अयस्क की बहुलता होगी, बताइए ऐसे बताइए, ऐसे 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 जी क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर, ऐसे तो ऐसे करो ऐसे चलिए सर याद रखेंगे, तो ये आपका ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग आंसर। सर ये क्या है, ये है जंग, ये रस्ट का फॉर्मूला है, याद रखोगे ये क्या होता है सर, ये होता है रस्ट, इसमें बस आपको पानी ऐड करना है, ये रस्ट हो जाएगा, जंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या सर, ये है आयरन पायराइट, ये क्या है दोस्त, ये है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या होता है दोस्त, तो इसे कहते हैं मूर्खों का सोना, क्या कहते हैं मूर्खों का सोना, बकलोलों का सोना, है ना। और Fe3O4 ये क्या है, तो यह आपका फेरस ऑक्साइड है, जो कि एक प्रकार का आयरन ओर का अयस्क है। आयरन के कितने अयस्क होते हैं, चार, ध्यान से सुनिएगा, आयरन कितने अयस्क होते हैं, चार, उन चार की ट्रिक याद रखना, ट्रिक आयरन ओर की जो ट्रिक है, वाओ मुझे मेरे शॉर्ट्स के लिए मिल गया कुछ, है ना। एक ट्रिक होती है क्या, महल से, ध्यान दे लो फिर पूछूंगा, मल से क्या होता है सर, तो आयरन ओर के क्या है, ट्रिक है। म से क्या होता है दोस्त, तो म से होता है मैग्नेटाइट, क्या होता है, म से मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। ह से हैमेटाइट, हैमेटाइट, हैमेटाइट। ल से लिग्नाइट, ल से लिग्नाइट। और से सेलेनाइट, इट इज द महल से। नेक्स्ट आ जाओ, इसे सबसे अधिक कार्बन कौन निर्माण करता है, सर इसमें से सबसे ज्यादा कार्बन की फॉर्मेशन कौन करेगा, बताइए सबसे ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कौन करेगा, बताइए सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाएगा, बताइए हाँ जी सर। को सबसे ज्यादा कंपाउंड की अगर बात की जाए, तो यहां पे याद रखेंगे आपका कार्बन बनाएगा, कार्बन, कार्बन सर कितने कंपाउंड बनाता है, लगभग 500,000 से भी ज्यादा, मोर देन 500,000 से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन बनाएगा, बाकी सर क्या 50,000 के लमसम रह जाते हैं। नेक्स्ट जी, किस प्रकार, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल के बीच में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, बताइए इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से आप सर क्या
एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर में डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, क्या बात है, शानदार है ना सर। किसका प्रयोग करके? तो याद रखोगे सर, क्या सोप का प्रयोग करके, साबुन का। सर जो साबुन होता है, साबुन, अगर मैं साबुन के बारे में बात करूँ, साबुन, अब देखो जो साबुन कैसे बताएगा सर। देखो आपने क्या किया, आपने लिया साबुन, कौन सा भैया, लक्स ले लिया आपने, पियर्स ले लिया, हमाम ले लिया, और हम जैसे लोग ने रिन लगा लिया। अब जब आप रिन लगाओगे अपनी बॉडी पर तो क्या होगा सर, तो झाग देगा। तो झाग दे दिया तो कैसा जल है, मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर है। और झाग नहीं दिया तो कैसा जल है, कठोर जल है। इस बात को आप सारे याद रखोगे। सर वो जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता, नहीं देता झाग, जबकि मृदु जल साबुन के साथ झाग दे देता है। कठोर जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जो कि एक प्रकार का आइसोटोप है, किसका, कार्बन हाइड्रोजन का, D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप 5000 साधारण जल को बनाओगे तो 5000 साधारण जल पे एक मृदु जल की फॉर्मेशन होती है, इस बात को आप याद रखोगे। और यह न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिक रिएक्टरों के अंदर किसके रूप में प्रयोग होता है, मंदक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, कांच क्या है, व्हाट इज द कांच, हाँ जी, का है कांच, बताइए का है वो, हाँ जी, व्हाट इज गिलास, सॉरी ग्लास, हम लोग कहते हैं गिलास, है ना, हमारे घर में कहते हैं गिलास लाइए, है ना, ये भी ठीक है। व्हाट इज कांच, कांच का है, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ये प्रतिशीतक द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्त, ये प्रतिशीतक द्रव्य होता है, सुपर कूल लिक्विड होता है ना। नेक्स्ट आ जाओ, कहते हैं कि किस प्रकार के अभिक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, वो कौन सा होगा, फोटोकेमिकल, रासायनिक, विखंडन या संलयन, बताइए वो कौन सी अभिक्रिया होगी, बताइए 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 बताइए। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो कहते हैं ना सर कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते, है ना। हम बताइए सर क्या होगा इसका आंसर, व्हाट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छे समझाया था, हाँ जी, सर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर, इट इज द विखंडन अभिक्रिया, द फ्यूजन, है ना, द फिजन, फिजन, फिजन मतलब क्या होता है, विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना, किसका टूटना, एक भारी नाभिक का दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाना, इस तरीके से। अब फिर ये क्या होगा, ये भी दो में टूट जाएगा, ये क्या होगा, ये भी दो में टूट जाएगा, ये क्या होगा, ये भी दो में टूट जाएगा, ये भी इस तरीके से दो में टूट जाएगा, ये भी दो में टूट जाएगा, ये भी दो में टूट जाएगा, ये भी दो में टूट जाएगा, इस तरीके से टूटता जाएगा, इसे विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आ जाओ, अनाज के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अजी बिल्कुल बढ़िया, हाँ कहते ना कि आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु थे, बहुत टफ होता है ये वाला, याद है, मुझे याद है। चलिए क्या हो जाएगा सर, अनाज के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का, है ना सर, किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप सारे याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, जल के बीओडी किसका मान जाते हैं, दोस्त कि देखो दोस्त, जो जल के बीओडी है वो किसका मान जाते हैं, अजी एसएस नहीं होगा, एसएस होगा, है ना, एसएस नहीं होगा, एसएस होगा। चलिए द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 2, है ना। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, कितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, वो बताएगा बीओडी, और बीओडी जितना ज्यादा होगा पानी उतना प्रदूषित होता जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना।
आई गिरी नंदित नंदिनी। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तीसरे वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई? बढ़िया, वो कहते हैं कि आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु थे गिरिवरी बंदे बिलासिनी विष्णु बिलासिनी जस्नु थे। बिल्कुल, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है सर? वनस्पति घी यानी डालडा की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करता है? डालडा की। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? सर कोई जो ड्राई सेल का एनोड होता है वो किसका बना होता है बताइए? जो एनोड ऑफ ड्राई सेल होता है वो किसका बना होता है? अजी, द ड्राई सेल ऑफ एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक जस्ता। देखो कैसे बनता है, समझ लो। सर देखो ये क्या है, ये एक बैटरी है ना, क्या ये एक बैटरी है? बैटरी, बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, और बीच में एक रॉड डली होती है। रॉड, जो रॉड होती है ये ग्रेफाइट की या कैडमियम की रॉड होती है। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे कहते हैं कैथोड, कैथोड हमेशा कार्बन का बनेगा। जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसे कहते हैं एनोड, एनोड किसका बना होगा? जस्ता का, जिंक का। और इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है वो कौन सा होता है? वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं बताइए सर? अच्छा सवाल है भी सर। देखो इसके आंसर से थोड़ा मुझे दिक्कत है, ऑप्शन से, क्योंकि जो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं है। फिर भी देखते हैं, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ग्रेविटी मेथड, फॉसिल मेथड, इसमें से कोई सा भी नहीं होगा दोस्त। इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग। बताइए, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या होगा दोस्त? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे किससे बनी है? किससे बनी भैया? हाँ ठीक है, बताइए ओजोन किससे बना है बताइए दोस्त, कि ओजोन किससे बना हुआ है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत से किससे बनी हुई बताइए? ओजोन किससे बनता है? ओजोन का फॉर्मूला पता है आपको? पता है आपको? बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों, क्या होता है सर? तो ओजोन का फॉर्मूला तो होता है क्या सर? O3 मतलब O, O और O, O का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और ये एक ऑक्सीजन गैस और एक न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन, इससे बनता है ओजोन, ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। ठीक है, O3। हे देवी, चलिए नेक्स्ट आइए। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रासायनिक तत्व को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर डाइऑक्साइड, बताइए सर। आर्टिफिशियल रेन किससे होती है बताइए? अब बताइए, बढ़िया। तो दोस्त आर्टिफिशियल रेन किससे होती है? सर सर देखिए हम बताइए क्या होगा आंसर, आंसर 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 इधर आंसर। देखिए दोस्त आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके, है ना, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होगा? पिता के शुक्राणु, माता के पोषण, एक और दो दोनों, माता के डिंब, बताइए सर। जन्म से पूर्व शिशु का लिंग, कि वो लड़का है कि लड़की है, कौन बताएगा बताइए? तो होने वाली संतान कि लड़का है कि लड़की है ये पिता के स्पर्म पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द स्पर्म ऑफ द फादर, क्योंकि फादर के जीन ही डोमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडलीय पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अजी, इसे क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? सही है, है?
होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा याद रखेंगे क्या? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहला रख दिया हम सर, क्या हो जाएगा? दैट इज द डिकम्पोजर, डिकम्पोजर हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी द डिकम्पोजर। नेक्स्ट आ जाओ सर, क्या कृत्रिम पिताकृमि क्या है? व्हाट इज द आर्टिफिशियल टैपवर्म? क्या हुआ सर? टीनिया फैशियोला एंट्रोबियम द सिस्टोसोमा द आर्टिफिशियल, क्या कहते सर उसे, टैपवर्म क्या होगा? तो ये देखिए सर, जो आपके टेपवर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? होते हैं टीनिया सोलियम, ठीक है। क्या होते हैं दोस्त? टीनिया सोलियम। आपका आर्टिफिशियल पूछा है तो सिस्टोसोमा है ना, सिस्टोसोमा। चलिए सर, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपका, आंसर करिएगा सभी लोग। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ सर? पोलियो, स्कर्वी, गोइटर या रिकेट्स? लोहे की कमी से क्या होता है बताइए दोस्त, है लोहे की कमी से? कौन सा होगा लोहे की कमी से? रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से होता है, पोलियो वायरस से होता है, गोइटर आयोडीन से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, इसमें से कौनो नहीं होगा। लोहे की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया अल्परक्तता, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आप लोग के सर क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है तो आप सभी के लिए ध्यान रखोगे, नवरात्रि सेल आई हुई है भैया, झम से जुड़ना है एकदम। नवरात्रि सेल में क्या सर, 21 से 23 मार्च तक के सर के यह सेल है, जहाँ पे आप वैष्णो देवी दर्शन ट्रिप को आप क्या सर तो पा सकते हैं, जहाँ पे बिहार गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी करोगे। कंप्लीट बैच 449 रुपये की है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा और सभी सभी बिहार एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, बस आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड विवेक के का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सर क्या, तो आपको यहाँ पे 15 वीडियो कोर्सेज मिलेंगे इस बैच के अंदर, 650 अधिक मॉक टेस्ट है, 200 अधिक स्टडी नोट्स हैं और 1500 से अधिक डेली लाइफ क्लासेस भाई एक्सपर्ट है, जहाँ पर ऋषा मैम है, सोनी विजय मैम है, गुरु रहमान सर हैं, और आप अपना कूपन कोड विवेक के लगाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो दोस्त आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।